अगर यहाँ पर आप मैप पर भी नजर डालें तो आपको ये पूरी तस्वीर दिखाई देगी। जो दक्षिण पश्चिम राज्य जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये चक्रवाती तूफान इस तरह से आगे बढ़ा, पहले कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और अंत में इसको गुजरात पहुंचना है। गुजरात में आशंका यह है कि आज दोपहर बाद ये तट पर टकरा सकता है। कुल मिलाकर 14 ऐसे जिले हैं गुजरात के, जो हमने आपको मैप पर इससे पहले भी दिखाए, जहां पर असर सबसे ज्यादा रहने वाला है। अभी तक की जो परिस्थितियां, 8 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा जो नुकसान जमीन पर है वो अलग, पेड़ गिरने जैसी घटनाएं इस समय सबसे ज्यादा सामने आती है, और ऐसे में लोगों के घर हों, इमारतें हैं, छतें हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और ऐसे में यही प्रशासन की इस वक्त चुनौती भी है, और लोगों को आगाह किया गया है कि आप अपने घरों में रहें, समंदर के नजदीक ना जाएं, क्योंकि तेज हवाएं, तेज बारिश और समंदर की लहरों का ये जो प्रकोप है, ये आम जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। एनडीआरएफ की टीम इन तमाम हिस्सों में तैनात की गई है। हमने आपको गुजरात और महाराष्ट्र से अपने संवाददाताओं से अपडेट्स दिखाए। आइए आपको हम लेकर चलते हैं गोवा। हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया वहां पर मौजूद हैं। सौरभ, हमने मैप पर भी देखा कि कैसे ये तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ा, गोवा पर तो इसका असर हालांकि कल भी देखा गया, वहां पर एयरपोर्ट अभी तक वापस रूटीन में एक्टिव नहीं हो पाया है, लेकिन आज के दिन में भी क्या तूफान का असर आप वहां पर देख रहे हैं? जी देखिए, आज तूफान का उतना असर नहीं है, लेकिन दो दिन लगातार गोवा में तेज बारिश और जो तेज हवाएं लगातार चलती रही, अब यहां से पूरा तूफान तो निकल गया है, लेकिन अब तबाही का मंजर देखिए। यहां पर किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बिजली के जो तारे हैं, उसके जो खंभे हैं, वो भी पूरी तरीके से गिर चुके हैं, और ज्यादातर जो गोवा राज्य है वहां पर बिजली भी मौजूद नहीं है। जो इंटीरियर रोड्स है, मैं आपको बता दूं, इंटीरियर रोड्स तो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। अब खतरा ये है कि कई सारे ऐसे पेड़ हैं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े खंभे हैं जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, इसलिए उनको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनडीआरएफ की टीम ने कल देर रात में ये जो नेशनल हाईवे है उसको तो क्लियर किया है, लेकिन इंटीरियर रोड्स तक अभी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि 500 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 200 से ज्यादा घर बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। 2 लोग ने उस वक्त अभी तक इसमें जान गंवाई है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने साफ कहा है कि और 2 दिन तक अपने घरों से ना निकले, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। तो तबाही जो है साइक्लोन सौरभ, आप जो दिखा रहे हैं कैमरे में, यही तूफान के बाद की भी जो तस्वीर है, ये वाकई इस वक्त डराती है, चिंता पैदा करती है, क्योंकि जिस तरह से बिल्डिंग्स को नुकसान हो रहा है, पेड़ गिरे हैं, बिजली के खंभों को नुकसान हुआ है, कोविड जैसे काल में जब हम पहले से ही एक संकट से जूझ रहे हैं, ये परेशानियां उसमें और संकट को बढ़ाती हैं। हमारे साथ तमाम संवाददाता बने हुए हैं। गुजरात का रुख एक बार फिर करते हैं, गोपी वहां पर मौजूद हैं। गोपी, ये बताइए, जिस तरह से तूफान अभी आज शाम तक तट से टकराएगा, उसको देखते हुए कोविड अस्पताल हैं, कोविड फैसिलिटीज हैं जो इन 14 जिलों में लगती हैं, उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मीनाक्षी, जो कोविड अस्पताल है वहां पे खास प्रिकॉशन लिए गए हैं, खास करके जो कोविड अस्पताल इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स में लगते हैं, तो उन लोगों को पहले ही ये अलर्ट कर दिया गया है, उनको ये कहा गया है कि उनको जेनसेट को तैयार रखना है, और जेनसेट में इतनी बिजली रखनी है, यानी 24 घंटे के लिए जो पावर बैकअप है वो रखने के लिए कहा गया है। साथ ही जो मरीज वेंटिलेटर और आईसीयू पर है, जहाँ पे जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। तो वही जो एक, क्योंकि कोविड की वजह से कई सारे मरीज आ रहे थे, वैसे में टेम्पररी स्ट्रक्चर्स भी बहुत सारे क्रिएट किए गए थे, क्योंकि अस्पतालों में लाइनें हमने दिखाई थी और कई सारे मरीज आ रहे थे लेकिन अस्पताल में बेड नहीं थे, तो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर्स भी इन जिलों में तैयार किए गए थे, जहाँ पे मरीज को इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिल पाए।